के लिए भिखारी बनकर भीख मांगकर सड़कों पर निकले हैं। जब पैसा हो जाएगा तो भिखारी को दिया जाएगा। वैसे तो बीजेपी सरकार में गोदी मीडिया पर कई सवाल खड़े होते हैं कि गोदी मीडिया सत्ता पक्ष के इशारे पर ही काम करता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा उससे गोदी मीडिया को बैकफुट पर आना ही पड़ा। लेकिन गोदी मीडिया पर तमाम आरोपों के बाद भी आज भी देश में कई ईमानदार पत्रकार हैं जो सच्चाई को दिखाने में डरते नहीं है, लेकिन कभी कभी उनको सच दिखाना महंगा भी पड़ जाता है। अब झांसी का ही मामला आप देख लीजिए, पत्रकारों ने अवैध खनन की खबर क्या चला दी, बीजेपी विधायक तो बौखला ही गए। साहब को इतना बुरा लगा कि विधायक जी ने पत्रकारों को नोटिस थमा दिया। जी हां, झांसी में इस वक्त पत्रकार और बीजेपी विधायक आमने सामने हैं। बीजेपी विधायक ने स्थानीय पत्रकारों को 250 करोड़ रुपए की कानूनी नोटिस थमा दी। यह कदम अवैध खनन की खबरों के प्रकाशन के बाद उठाया गया, जिसने विधायक के प्रति कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और प्रेस की आजादी के अधिकारों का उल्लंघन है। विधायक द्वारा भेजी गई नोटिस का उद्देश्य पत्रकारों को डराना और सच्चाई को दबाना है। कई पत्रकारों ने विधायक के इस कदम के खिलाफ आवाज उठाई है और इसे एक गंभीर विवाद के रूप में देखा है। पत्रकारों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपनी रिपोर्टिंग को लेकर पूरी तरह से ईमानदार हैं और उनके द्वारा प्रकाशित खबरें पूरी तरह से सच्ची हैं। इस पूरी घटनाक्रम ने न केवल झांसी में बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना दिया है। यह मुद्दा एक बार फिर से यह प्रश्न खड़ा करता है कि क्या राजनीतिक दबाव पत्रकारों की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है और क्या यह वास्तव में लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने में सहायक होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले पत्रकारों ने जिले में हो रहे अवैध खनन की खबर को प्रकाशित किया था, जो गरौठा विधानसभा के विधायक जवाहरलाल राजपूत जी को नागवार गुजरा और उन्होंने कई पत्रकारों को 50-50 करोड़ का नोटिस भेज दिया। कुल 250 करोड़ का नोटिस विधायक की तरफ से पत्रकारों को भेजा गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि विधायक जी भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में अवैध खनन होता रहे और पत्रकार उनके इशारे पर काम करते रहे। नोटिस मिलते ही पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। फिर क्या, जिले भर के पत्रकारों ने झांसी के इलाइट चौराहे पर बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत के खिलाफ प्रदर्शन किया और जुलूस निकालकर भीख मांगा। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, नाराज पत्रकारों ने इलाइट चौराहे से स्टेशन रोड तक और उसके बाद इलाइट से मिनरवा चौराहे तक भीख मांगकर अपना विरोध जाहिर किया और कहा कि वे मानहानि की राशि 250 करोड़ चुकाने के लिए भीख मांग रहे हैं। इस दौरान विधायक जवाहर राजपूत के खिलाफ प्रदर्शनकारी पत्रकार बैनर पोस्टर लिए दिखाई दिए। नाराज पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। आज हम सभी पत्रकारों ने गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के खिलाफ प्रदर्शन किया है और भीख मांगने का काम किया है। ये भीख इसलिए मांगी है कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले गरौठा विधायक जो अवैध खनन की खबरें चलाई थी, वो अवैध खनन करवाते हैं, उनके गुर्गे करवाते हैं, इसीलिए हम उन्होंने खबरें चलाई। तो हमें 50-50 करोड़ के गरौठा विधायक की ओर से नोटिस दिए गए पांच पत्रकारों के, यानी कि 250 करोड़। तो उसी के लिए हम लोगों ने भीख मांगी है कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो झांसी की सड़कों पर हम झांसी की जनता के पास निकले हैं और वो जिस दिन भीख इकट्ठा हो जाएगी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से उनको पैसे देंगे कि आप अपने विधायक को दे दो जिससे इनका पेट भर जाए। अभी उनका अवैध खनन से पेट नहीं भर रहा है तो उनको पैसे देने का हम लोग काम करेंगे। ये प्रदर्शन बराबर जारी रहेगा। अभी हम लोगों ने झांसी मुख्यालय पे किया है, इसके बाद गरौठा विधानसभा में जाएंगे, तमाम उन गांव में जाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि गरौठा विधायक जो खनन का काम करते हैं, उनके गुर्गे करते हैं, उनके बेटे करते हैं, उनका उस अवैध खनन से पेट नहीं भर रहा है और ना अवैध खनन बंद हो रहा है, जिसको लेकर हम भीख मांग रहे हैं। हमें भीख दे दो, हम गांव गांव जाएंगे भीख मांगने। इनके आए दिन मामले आते हैं, पुलिस को घरे आते हैं, पुलिस के साथ मारपीट करते हैं, इसके बाद उनके बेटे का कारनामा सामने आता है। अभी हाल ही में कुछ पत्रकारों को भी पीटा गया था जो बालू खनन की खबर बनाने कवरेज करने गए थे, उनको भी मारा था। लगातार ऐसी अभद्रता करते रहते हैं पत्रकारों के साथ, आम जनता के साथ, जनता उनसे त्रस्त है। अब उन्होंने सीधे पत्रकारों पर निशाना साधा है तो पत्रकार उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और पत्रकार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने भीख के साथ साथ कुछ बिकाऊ भी कर लिया, क्या क्या बिकाऊ कर लिया? हम लोगों ने अपनी किडनी, लीवर, सब कुछ, मकान, दुकान, जो कुछ भी हम लोगों के साथ है बिकाऊ कर दिया है कि कम से कम जो 250 करोड़ हम लोगों को गरौठा विधायक को देने हैं वो पूरे हो जाए। और जिस दिन पूरे हो जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग बाकायदा पैसे देने जाएंगे और कहेंगे आप अपने विधायक को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सुना आपने, बता दें कि झांसी के बीजेपी विधायक पर आरोप है कि वे अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और किसी भी जनप्रतिनिधि की गलत गतिविधियों को उजागर करना कोई गलत नहीं, कोई गुनाह नहीं है।
हाँ, सत्ताधारी विधायक है जो अपने ऊपर लगे दाग को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए पत्रकारों को नोटिस थमा दिए। ऐसे नोटिसों का उद्देश्य उन्हें दबाना और सच्चाई को छिपाना है। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि सीएम योगी जी के विधायक जवाहरलाल राजपूत के अवैध खनन अवैध धंधों के खिलाफ खबर चलाने पर विधायक ने फर्जी पुलिस कार्यवाही 50-50 करोड़ मानहानि नोटिस दिए। इसके खिलाफ जिले भर के पत्रकार एकजुट हुए और विधायक के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन किया और भीख मांगकर विधायक के कुल 250 करोड़ के नोटिस का धन इकट्ठा करने का प्रदर्शन किया। क्या सीएम योगी जी बताएंगे कि क्या उनके राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्या विधायकों के अवैध कामों अपराधों के खिलाफ लिखना मना है? किस मुंह से जीरो टॉलरेंस के दावे किए जाते हैं जबकि जमीन पर भ्रष्टाचार अपराध और अवैध काम चरम पर चल रहा है? भाजपा को सत्ता देकर जनता पछता रही और चुनाव आने का इंतजार कर रही। विधायक और पत्रकारों के बीच यह विवाद आगे किस दिशा में बढ़ेगा या तो समय ही बताएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार पर एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। बेकारी बनकर भीख मांगकर सड़कों पर निकले हैं। जब पैसा हो जाएगा तो विधायक को दिया जाएगा।